लैपटॉप दो तरह के होते हैं, एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड, एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ आता है। ग्राफिक कार्ड कंप्यूटर हार्डवेयर का एक भाग है जो सभी ग्राफिक को मॉनिटर पर डिस्प्ले करता है। हमें अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर जो भी पिक्चर, वीडियो, एनिमेशन ये सब दिखाई देता है, उन सभी को डिस्प्ले तक रेंडर करने का काम इन्हीं ग्राफिक कार्ड्स का होता है। अगर आप अपने लैपटॉप को सिर्फ पर्सनल काम के लिए यूज करना चाहते हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग, एमएस ऑफिस, कोडिंग, वीडियो देखना जैसे पर्सनल काम अगर आपको करना है, तो आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप गेमिंग या वीडियो एडिटिंग जैसे हाई ग्राफिक्स वाले सॉफ्टवेयर को चलाना चाहते हैं, तो आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड होता है उसके पास प्रोसेसिंग करने के लिए रैम और प्रोसेसर नहीं होते हैं, ये आपके लैपटॉप के प्रोसेसर और रैम को यूज करते हैं। लेकिन जो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होते हैं उनके पास खुद का रैम और प्रोसेसर होता है, जिसे हम GPU कहते हैं, मतलब ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड सभी कंप्यूटर में इनबिल्ट आते हैं, लेकिन डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड i5 प्रोसेसर या इससे ऊपर के प्रोसेसर में आता है।